दोस्तों आज मैं इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ इसका नाम है मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं ये एक मालयालम फिल्म है और एक थ्रिलर फिल्म है इसको डायरेक्ट किया है अभिनव सुंदर नायक ने बात करें कास्ट के बारे में तो कास्ट में है विनीत श्रीनिवासन एज मुकुंदर उन्नी एडवोकेट सूरज एज एडवोकेट वेणु आशा चंदिनी बाईजो एस मीनाक्षी सुधी कोप्पा एस एडवोकेट रॉबिन तनवी राम एज एडवोकेट जयथी ये फिल्म जो है पूरा फ्रेश पूरा यूनिक मैं ये नहीं बोलूंगा क्योंकि ये फिल्म खुद एक हॉलीवुड फिल्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर है तो इंस्पायर किस चीज से इसका ट्रीटमेंट से इसका कैरेक्टर से इंस्पायर जो है नाइट कॉलर तो यहाँ पे मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स का मैंने इसलिए सब ऐसा बोल रहा है कि देसी नाइट कॉलर इंडियन नाइट कॉलर क्योंकि जो कैरेक्टर है वो एक ही टाइप का है लेकिन पूरा कहानी से शुरू करके सब कुछ अलग है और यही इस फिल्म को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है और मालाला मूवी का राइटिंग के डिपार्टमेंट के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ उन लोगों का राइटिंग कमाल का होता है लेकिन इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मुझे जो लगा वो है एक्टिंग परफॉर्मेंसेस मतलब सब इतना अच्छा अच्छा परफॉर्मेंसेस मैं क्या बताऊँ विनी दास मुकुंदन उन्नी मतलब खा गया पूरा खा गया इवन मीनाक्षी का जो कैरेक्टर है वो भी कमाल का है और यहाँ पे स्क्रीन पे जो लिखा गया है एक के बाद एक के बाद एक सीन एलिवेशन जो है सीन आता रहता है सीन का जो लॉजिकल सेंस है और सीन के आपको ऐसा लगेगा कि इस सिचुएशन से कैसे निकलेगा इस ऐसा आपको बार बार फील होता रहेगा और तभी एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक पासा फेंकेगा तो ये जो चीज़ है एक चेस टाइप एक मतलब जो चीज़ दिया गया है अभी पकड़ में आ जाएगा नहीं आया अभी धोखा देगा क्या हुआ कुछ किसी को पता नहीं चला इसको मार दिया मतलब ये सब जो चीज है आपको ऐसा लगेगा कि दो घंटे का फिल्म में आप ऐसे दो घंटे तक ऐसे हथ रहे हो कि क्या हो रहा है भाई कमल का हो रहा है मतलब अलग ही एक एक्सपीरियंस है बात कर डिरेक्शन के बारे में मतलब डिरेक्शन कमल का लगा मुझे माइंड ब्लोइंग लगा मैं पहली बोल इसका पहला पॉजिटिव पॉइंट एक्टिंग है और एक्टिंग के साथ साथ एक्टिंग डिरेक्शन स्क्रीन पे ये तीनों पिलर है इस फिल्म का ये तीनों पिलर के ऊपर ये फिल्म पूरा ऐसे खड़ा है अगर एक्टिंग डिरेक्शन स्क्रीन पे अगर निकाल दिया जाए तो अगर दस में से आठ एम ए स्क्रीन को दूँ तो अगर ये तीनों निकाल देने के बाद मैं दस में से या फिर चार या पाँच दे दूंगा क्योंकि एक्टिंग स्क्रीन पर डिरेक्शन कमाल का है उसका रहता है बीजीएम और एक तगड़ा पॉजिटिव पॉइंट हर एक मलयालम मूवी का बीजेम कमाल का होता है इसमें भी सेम टू सेम चीज़ बी कमाल का सिनेमाटोग्राफिक कमाल का कमाल का कुछ कुछ जगह एक दो जगह वी का उतना यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी एक दो जगह वी का मुझे थोड़ा बहुत लगा और कुछ कुछ एक दो सेंस मुझे लॉजिकली थोड़ा बहुत लगा लेकिन ओवरऑल बोलूँ तो ये कमाल का फिल्म है मास्ट वॉच फिल्म है अगर आप ये फिल्म नहीं देखा तो मतलब आप कुछ नहीं देखा बहुत ही कमाल का फिल्म है कुछ कुछ फिल्म में हम तो बोलते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ लेकिन कुछ कुछ फिल्म में ऐसा लगता है कि राइटिंग में मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट को ऐसे तरीके से कैरेक्टर को लिखा गया जैसे आपको ऐसे दिखाई दे रहा है मतलब डिटेक्टर आपको ऐसे दिखा रहा है कि ये देखो मैं कैरेक्टर डेवलपमेंट कर रहा हूँ आपकी आंखों में वो दिखता है लेकिन यहाँ पे जो है कैरेक्टर अपने आप से चला जाता है और अपने आप से आपके अंदर वो कैरेक्टर डेवलप हो जाता है ये चीज़ मुझे इस फिल्म का सबसे अच्छा पॉइंट लगा कि जोर ज़बरदस्ती कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं किया गया है सिनेमाग्राफी ने बोला ही केरला की जो खूबसूरती या फिर छोटा मोटा जो चीज़ है जो कुछ स्लो मोशन और एडिटिंग पहला दस पंद्रह मिनट या फिर जो कुछ कुछ जगह में क्लाइमैक्स में या फिर कुछ कुछ जगह में जो एडिटिंग का काम है मतलब चॉप डाउन चॉप अप होता है एक के बाद एक सीन जो ट्रांजिशन होता है वो सब कमाल का लगा मुझे और एक अलग ट्रीटमेंट आपको देगा इससे पहले मैं और एक मेला फिल्म देखा था जिसके एडिटिंग और ट्रांजिशन सीस खास करके मुझे कमाल का लगा था वो है की ठल्लू टॉविनोथोमासकीलूमाला उसके बाद ये फिल्म मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स इसका ट्रांजिशन सीन्स एडिटिंग कट टू कट वो सब कमाल का है टेक्निकल डिपार्टमेंट और राइटिंग और स्क्रीन पर डिरेक्शन सब चीज़ में ये फिल्म ए वन है ये फिल्म एक्सपीरियंस करना तो चाहिए देख के आइए इस फिल्म को मिस मत कीजिए डिस्टिट प्लस हॉस्टल में ये फिल्म अवेलेबल है जरूर इस फिल्म को देखिए कमाल का फिल्म है मैं आपको लिख कर देता हूँ आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा और आपको एक पूरा थ्रिलर राइट देगा तो कॉमेंट सेक्शन में आके बताइए आपको ये मूवी कैसा लगा तो गुड बाई और चैनल को सब्सक्राइब कर देना